Hi little chams, how are you all? Hope you all are doing great and studying at home well. Today's topic is things we learn in school. हम स्कूल में क्या क्या चीजें लर्न करते हैं. स्टडीज के अलावा हम बहुत सी ऐसी चीजें जो हम लर्न करते हैं स्कूल में, जैसे कि राइटिंग. जब हम प्ले ग्रुप में होते हैं तो मैम हमें पिक्चर्स दिखाती हैं कि ये रिकोगनाइज करो कि वॉट इज दिस, दिस इज ए, दिस इज बी. करते कि नहीं करते? फिर हमें याद आता है कि ए सेज एप्पल, बी सेज बॉल. छोटी छोटी एक्टिविटीज हम स्कूल में सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? और क्या क्या सीखते हैं? जब हम और बड़े हो जाते हैं तो हम राइटिंग करना सीखते हैं. नीट एंड क्लीन हमें मैम सिखाती है कि आपको इस लाइन से ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, करवाती है मैम. और हम क्या सीखते हैं? और हम सीखते हैं डिसिप्लिन. डिसिप्लिन जैसे कि हमें घर में कैसे बात करनी है. स्कूल में आना है तो हमें सबसे पहले टीचर्स को और सबको, आंटीज को क्या करना है, क्या विश करना है? गुड मॉर्निंग विश करना है. और कोई भी कचरा, कुछ भी अगर हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, उसे हमें कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में फेंकना चाहिए. कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में फेंकना चाहिए. और हम क्या लर्न करते हैं? हेल्पिंग, हेल्प ईच अदर. किसी के पास अगर पेंसिल नहीं है तो हम उसे पेंसिल शेयर करते हैं. किसी के पास अगर रबर नहीं है तो हम उसके साथ अपना रबर शेयर करते हैं. किसी के पास अगर फूड नहीं है तो हम फूड भी शेयर करते हैं. मैम सिखाती है ना, शेयरिंग इज केयरिंग. शेयर करना चाहिए हमें हर चीज. नेक्स्ट क्या करना चाहिए? विश योर एल्डर्स. लाइक आई टोल्ड यू बिफोर कि जब भी हम स्कूल आते हैं तो हम स्कूल में सबसे पहले सबको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं. और जब हम जाते हैं तो सबको क्या बोलते हैं? गुड डे, गुड नून बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? देन ड्रेस अप नीटली. क्या करना चाहिए हमें? अपने आप को ड्रेस अप करना चाहिए बहुत अच्छे से. ये नहीं कि सो के उठ के आ गए, गंदे से कपड़े पहन लिए, अच्छे से हेयर्स भी नहीं बनाए. ऐसा नहीं करना है. हमें क्या करना है? प्रॉपरली अपने आप को क्लीन करके आना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज शेयर योर थिंग्स. शेयर योर थिंग्स लाइक आई टोल्ड यू. क्या करना है हमें? शेयरिंग का मतलब दूसरों के साथ अपनी चीजों को शेयर करना है. जैसे कि अपना फूड शेयर कर लिया, अपनी चीज शेयर कर ली. एंड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन. ये भी मैम ने अभी आपको बताया था कि नहीं बताया था कि आपका कोई भी वेस्ट मटेरियल होगा आपको कहाँ पे फेंकना है? डस्टबिन में. और ये सब चीजें आपको सिर्फ स्कूल में नहीं करनी है, अपने होम्स में भी करनी है. जब भी आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे वेस्ट मटेरियल पड़ा है और ये गंदा है, ये कचरा है, कूड़ा है, आप इसे कहाँ फेंकोगे? डस्टबिन में. ओके, बी मेक योर सेल्फ नीट एंड क्लीन. आपको सिर्फ स्कूल में ही नीट और क्लीन नहीं रहना, आपको अपने घर में भी नीट एंड क्लीन रहना है. आप अपनी मम्मा की बात सुनोगे ना, मम्मा की नहीं तो मैम की तो सुनोगे ही सुनोगे. तो दिस इज थिंग्स वी लर्न इन स्कूल. हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं? और सबसे बड़ी बात, स्टैंड इन क्यू. क्यू का मतलब क्या होता है? लाइन में चलना. मैम जब भी कहीं पे प्लेग्राउंड में प्ले कराने लेके जाती हैं या आपको कहीं पे भी लेके जा रहे हैं, हम घुमाने ले जा रहे हैं स्कूल की तरफ से, कहीं भी हम लेके जाते हैं, तो ऑलवेज वॉक इन अ क्यू. क्यू मतलब लाइन में चलना चाहिए. ठीक है. तो अब आप ये क्या करोगे घर में? आप ये रूल्स क्या करोगे? फॉलो करोगे जो मैम आपको सिखा रही है. वी शुड डू इट एट होम. होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है. तो आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन रिमेंबर ऑल दीज गुड हैबिट्स. आपको ये सारी गुड हैबिट्स क्या करना है? याद रखना है. ओके, बाय.